ए ऑल राइट, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड एंड वेलकम टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? चलिए, आशा करते हैं सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं क्वेश्चन आईडी 168। ओके, और उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम डालेंगे, मतलब केमिस्ट्री से, तो आपको पहले ही पता पड़ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या और करना है, आपके लिए बेल आइकन जो होता है वो भी आपको प्रेस करना है। ओके, और हम बता दें कि हम ऐसे ये जो प्रॉब्लम है आपके लिए डिज़ाइन करते हैं रेफरेंसेस बुक से। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे हेल्पफुल हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में, ठीक है। जो भी इंडिया में केमिस्ट्री के एग्ज़ाम कराए जाते हैं उनमें सब में हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बस ज़्यादा आपसे कुछ ना कहते हुए हम चलते हैं मैकेनिज्म की ओर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आईडी 68 है। ओके, और ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है इधर का, और ये रिएजेंट दिए गए हैं, और हमको बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो बस हम वही देखने की कोशिश करेंगे। और उस अभी आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन देखिएगा और आप वीडियो को पॉज करें और देखें कि एक बार ट्राई करिएगा खुद से अपने आप से, तब पता पड़ जाएगी आपको मैकेनिज्म निकालेंगे, और नहीं तो मैं मैकेनिज्म यहाँ पे बता के दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैकेनिज्म, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक विदाउट वेस्ट योर एनी टाइम, सॉरी, ठीक है। चलो, अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो ये क्या है, कोई 1.3 डाई कीटोन है, डाई ऑन बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक जो 1, 2, 3 मतलब 3 पोजीशन दूर पर क्या है, एक कीटोन है। ओके, इस बात पर नहीं जाते हम, बस ये देखेंगे ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल बनाने वाले हैं अपन इसको, ठीक है। और क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि किस हिसाब से इसको रिएक्शन में, यानी इस रिएक्शन को कराएं। तो मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ क्या आपकी मैकेनिज्म, मैं कोशिश करूँगा कि एक पेज पर ही समझाने की समझा पाऊँ, ताकि आपको बार बार इधर उधर नहीं करना पड़े, ठीक है। तो मैंने मैकेनिज्म स्टार्ट कर दी है। ओके, चलो आई थिंक इतना इतना छोटा लिखूंगा मैं, तो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, यस, और एक पेज पर ही आ जाएगा, ठीक है जी। चलो देखो, इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो ये वाला जो होगा यहाँ पे जाके अटैक करेगा, किस पर जाके अटैक करेगा, ये करेगा यहाँ ऐसे, ठीक है, ये इधर जाएगा। ओके, यस, यहाँ से वो ले लेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टेप हैं, ये आप सब कुछ समझते चलते होंगे, ठीक है। ये देखो ये हो गया। ओके, अब देखो अब क्या होगा, हम जानते हैं कि यहाँ पे, सॉरी, ये ठीक है। अब जो होगा, ठीक है, ये वाला जो प्रोटॉन है यहाँ पे लोन पे रहूँगी, ठीक है जी। देखो ये हो गया इतना। अब देखिए, अब आप देखिएगा ये अब क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप बना लिया हमने, अपन ने लिविंग ग्रुप बना लिया। तो ये क्या होगा, देखो मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ आपके लिए दिखाने के लिए, मैंने ये कर दिया, लिविंग ग्रुप लीव हो गया, ठीक है जी। चलो फिर वही पेन उठा लेता हूँ मैं, मैकेनिज्म थोड़ा, मैकेनिज्म ही इसकी बड़ी है बस, वैसे तो रिएक्शन कोई ज़्यादा इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है। बस आपके स्टेप, आप इसके स्टेप को समझते जाएं तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है जी। हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, बस अब समझना है हमको कि देखो यहाँ पे क्या है, ये होगा ऐसे, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, वो एसिडिक हाइड्रोजन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन इधर जाएगा तो इस चार्ज को नॉर्मलाइज कर जाएगा, ठीक है, समझो आप इतना। मैंने कर दिया इतना,
ठीक है जी, इतना हो गया। चलो अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे लेकर आता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। देखो ये वाला चीज़ मैं यहाँ उठा के ले आया हूँ, बाकी कुछ नहीं किया मैंने अभी यहाँ पे। अब क्या होगा, अब देखो अब जो दिया है उन्होंने, इतना प्रोसेस हो गया हमारा ए फर्स्ट डे का, मतलब ए का जो हो गया स्टार्ट होता है हमारा बी का। ये क्या है, ये है नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन से अगर हम जानने अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो नाइट्रो बेंजीन आ गए आ जाए और हॉट है मतलब हीट है, ठीक है। तो नाइट्रो बेंजीन जो क्या करेगी, वो पेरीसाइक्लिक के थ्रू लेके जाएगी अपन को, ठीक है। मतलब कंसंट्रेट मैकेनिज्म से जाने वाले हैं अपन अब। तो अब क्या होगा, बस यहाँ पर देखो क्या होगा, 3.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। देखो 1 2 3 1 2 3 इस टाइप से होगा। कैसे होगा वो और देख लीजिए आप एक बार ही, ठीक है जी। देखो मान लो मैं यहाँ से घुमाना चालू करूँ ऐसे, ठीक है, ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, ठीक है। और क्या हुआ था, ये वाला तो इधर आ गया था। देखो मैंने थोड़ा ना गलत कर दिया, ये वाला ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे, हाँ यस ओके। चलिए देखो ये बन गया आपका, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे एक एलिन बन जाएगी, ठीक है। एलिन समझते हो आप, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है उसमें इस टाइप से, मतलब बीच वाले जो कार्बन आता है उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, तो उसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, एलिन बोल देते हैं यहाँ पे। अब ठीक है, देखो इसको इसकी रेजोनेटिंग अगर फॉर्म में बनाऊँ आपके लिए, चलो एक बार रेजोनेटिंग फॉर्म भी समझ लेते हैं क्या हो सकता है। देखो जी, देखो ये वाला है तो इधर कीटोन, या भी कीटोन है, अभी मैं क्या बना दूंगा इसको, इनॉल फॉर्म में बना देंगे, आप सब जानते हो इतना तो, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो समझ ही लेते हैं इसको, सही है जी। यहाँ कुछ नहीं हो, ठीक है। देखो अब क्या होगा, अगर इसको देखो आप यहाँ पे समझो, जैसे मान लो ये इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और यहाँ पे जाके ये किसको ले लेगा, यहाँ प्रोटॉन होगा, ये देखो सॉरी, ठीक है जी। देखो वो थोड़ा ना इशू हो गया था, आवाज़ आने लगी थी, ठीक है। चलो देखें यहाँ पे, देखते हैं एक बार अपन, ठीक है। ये क्या जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा देखो, ऐसे है ये बन जाएगा आपका, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो इसको फिर से मैं यहाँ पे उठा के लेकर आता हूँ, ओके। देखो इतना समझ गया, अब हम क्या बन गया, ये बन गया हमारा एलिन बन गया, एलिन सिस्टम बन गया, और ये एमीन बन गया इधर। तो हम अभी तो हमारे पास क्या है, हीट है, ठीक है। तो अभी ये प्रोडक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट बना है वो अनस्टेबल है, क्योंकि हर इंटरमीडिएट जो होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, समझिए आप। अब देखो मैं क्या करूँगा इसको, मैंने क्या करा, देखो जब हीट की प्रेजेंस में अब क्या होगा, अब देखो ये जो रिएक्शन होगी वो हमारी 1.5 हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्ट, ठीक है। कैसे होगी देखो, अब एक बात समझो आप, ये जो रिएक्शन होगी वो जाएगी तो पेरीसाइक्लिक की 1.5 शिफ्ट, 1.5 शिफ्ट ही होगी हाइड्रोजन, लेकिन ये थोड़ी क्या हो सकती है, ये आयनिक फॉर्म में जा सकती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो है नाइट्रोजन आ गया है। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं जाते हुए, हम नहीं सोचते हुए हम क्या करेंगे, सिर्फ 1.5 हाइड्रोजन शिफ्ट ही कर देंगे, ओके। तो 1.5 शिफ्ट कैसे करेंगे अपन, देखो एक बार, ठीक है जी। चलिए ये ऐसे जाएगा इधर, इस वाले बॉन्ड पर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, ये इसको ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपको, ओके देखते जाओ आप क्या बन गया। देखो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ क्या बन गया आपका, देखो अभी क्या है हमारे पास, हीट तो पहले से है, अभी इसको क्या बना सकते हैं आप, 6, इसमें कितने इन्वॉल्व होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, और ऑफिशियली ऑब्वियसली अगर हम सोचें इसमें तो, सॉरी अभी मैं इसकी एक रेजोनेटिंग फॉर्म बनाता हूँ, देखो आप समझ जाओगे, आप यस थिंक इट इज विजिबल फॉर यू, ठीक
ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो सकता है, इसको अगर मैं बॉन्ड को ऐसे रोटेट कर दूं तो ये हो सकता है, हो सकता है इजीली है, तो ऐसे समझो आप ये, ठीक है, चाहे इस फॉर्म से बना दीजिए चाहे इस फॉर्म से। तो हम देखो ये क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये इसकी लास्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है या लास्ट स्टेप क्या हो सकती है, ऐसे करेंगे अपन तो क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये 6 मेंबर इधर बन जाएगा, ये देखो इधर आ गया और एक बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसको हम दूसरे नेक्स्ट पेज पे लेके आए हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो देखो वीडियो में, तो देखो यहाँ पे देखते हैं अपन उस पेज में, हमने क्या उस वाली स्लाइड पर हमने इतना सीखा था कि हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है, ये मिल गया था हमको, क्या मिला था, हाँ एक बार देखते हैं अपन, ये मिला था अपन को, ओके। अब देखो उसमें क्या दिया था, मतलब हमारे जो स्टेप में क्या है, ये दिया गया था PHNO2, मतलब नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का काम क्या है यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन एक्ट एज ए, या ऐसे हम कह सकते हैं हेयर, नाइट्रोबेंजीन एक्ट एज ए ऑक्सीडेंट, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन एक्ट एज ए ऑक्सीडेंट, ओके, ऑक्सीडेंट, तो ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, मतलब बेसिकली हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, मतलब तो आप जानते हो ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है इजीली, ठीक है। तो हमको ऑक्सीडेंट का बाद क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये, ठीक है जी, ये तो है ही है, और दूसरा क्या मिलेगा आपका, ये, ठीक है। तो ये जो है वो ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर है क्या, सी, ओके। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ओके, ऑलराइट।